हाय फ्रेंड्स, एक आज नया टॉपिक लेके आए हैं। जैसे कि हमारे जितने भी टेक्नीशियन फ्रेंड्स हैं, उन सबको एक प्रॉब्लम आती है जो कि बहुत कॉमन है अभी, ठीक है। तो वो क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको अभी इस टाइम पे हमारे पास 3 डिवाइस आए हुए हैं जो कि रिपेयर होने हैं। तो आप समझिए कि जैसे अभी मैं इसमें क्लॉक स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, और इसमें भी क्लॉक स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, और इसमें भी मैं क्लॉक स्टार्ट है, इसको बंद कर दे, इसको रीसेट करके इसको भी स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी सब में टाइमर चल रहा है, आप देख सकते हो। तो इसमें यह है कि इसमें प्रॉब्लम है कि ये फ़ोन यूज़ करते 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 और फोन रिस्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आईफोन 15 है, ये 11 है और ये 11 प्रो है। तो ये प्रॉब्लम हम कैसे डायग्नोस करेंगे, कहाँ से प्रॉब्लम आती है और क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और हम ईजी कैसे उसको डायग्नोस करें, इसके रिलेटेड ये वीडियो है। तो अगर आप लोग के पास जैसे ये V1S है, ठीक है, अगर आपके पास ये है तो बहुत अच्छा है, अगर ये नहीं है तो एक फ्री वाला सॉल्यूशन भी है जो कि आप फ्री में कर सकते हो, ठीक है। तो पहले तो आप देख लो कि ये 3 मिनट में रिस्टार्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। यहाँ पर टाइमर चल रहा है, 3 मिनट में हो सकते हैं, 1 मिनट में भी हो सकते हैं, कैसे भी कभी भी हो सकते हैं, इसमें टाइमर चल रहा है। एक्चुअली में क्या है कि आईफोन में जितने भी सेंसर्स हैं, अगर उनमें से कोई भी सेंसर उसको नहीं मिलेगा या उससे रिलेटेड कोई भी सर्किट होगी, उसका कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो फ़ोन रिस्टार्ट हो जाएगा। तो इतने सारे सेंसर्स हैं आईफोन में, इतने सारे सेंसर्स हैं कि आप है ना मतलब कि कितना ढूंढोगे। देखो ये फ़ोन रिस्टार्ट हो गया, ओके, तो 1 मिनट के अंदर अंदर ये रिस्टार्ट हो गया है। अभी ये दोनों जिंदा है, बट ये दोनों भी रिस्टार्ट हो गए क्योंकि प्रॉब्लम ही वही आई है हमारे पास, इसीलिए हमें पता है। देखिए अभी अपने आप ही चालू हो जाएगा ये देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप ही ये चालू हो गया। सेम ये भी रिस्टार्ट होगा और ये भी रिस्टार्ट होगा। तो ये प्रॉब्लम है कहाँ से और हम इसको कैसे डायग्नोस करेंगे इजी में, और मैं इसमें से आपको एक दो फ़ोन बना के भी अभी दिखा दूंगा कि हमने कैसे डायग्नोस किया और क्या इशू था, ओके, और फ्री वाला सॉल्यूशन भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये दोनों डिवाइस रिस्टार्ट हो जाने दीजिए, तभी जाके आपको सही पता चलेगा। देखिए ये भी रिस्टार्ट हो गया, ओके, अभी ये 3 मिनट में फिर रिस्टार्ट हो जाएगा। तो इसको भी, ये भी देखिए, ये भी रिस्टार्ट हो गया, अभी ये दोनों फिर से ऑन होंगे। तो पहले तो जो हम ऑन हुआ ये, अभी ये भी ऑन होगा अपने आप ही, मैं कुछ नहीं करूँगा फिर भी ऑन होगा ये। तो अभी मैं आपको, अगर आपके पास तो देखिए ऑन हो रहा है, ठीक है, तो अभी मैं एक एक करके डिवाइसों को साइड में रखते जाता हूँ। तो एक एक करके मैं ना डिवाइसों को साइड में रखते जा रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद क्या है, तो पहले अगर आपके पास तो अगर V1SE वाईफाई वाला है या V1S प्रो है तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने क्या करना है, इजी में एक केबल यहाँ अटैच करना है, ठीक है, और एक केबल आपको यहाँ लगाना है, ओके। तो देखो ये फ़ोन जो है कनेक्ट होने जाएगा क्योंकि कोई पासवर्ड वगैरह नहीं है और हमने ट्रस्ट यहाँ पे जाना है, क्रैश लिखा हुआ है, देख रहे हो। तो जैसे ही आप क्रैश पे ओके करोगे, जो कि हमारा फ़ोन यहाँ कनेक्ट है, कनेक्ट फ़ोन लिखा हुआ आ गया आईफोन 15 और उसका सीरियल नंबर भी आ चुका है, ओके। तो ये जितनी भी इसके अंदर पैनिकफुल की फाइलें बनी हुई हैं, पैनिकफुल फाइल आप कैसे चेक करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सेटिंग ओपन करना है, प्राइवेसी में जाना है, एनालिस्टिंग एंड इम्प्रूवमेंट में जाना है, एनालिस्टिंग डाटा में जाना है, ये अल्फ़ाबेटिकल यहाँ पे फाइल्स है, तो आपको डायरेक्ट स्क्रॉल करके पी पे जाना है। तो देखिए ये फ़ोन जितनी बार स्टार्ट हुआ है उतनी बार पैनिकफुल करके यहाँ फाइलें बनी हैं। आप कोई भी फाइल ओपन करके यहाँ पर ये कोडिंग दी हुई है, कोडिंग आप अगर मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस है आपको पहले से तो आप समझ जाओगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे सारा फाइल आ चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे सारी पैनिक फुल आ गई है, जो इसकी यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉपी हो गई है। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे तो इसने क्रैश डिसीजन दे दिया कि वाटर इंटर मशीन रिस्टार्ट, ओके, बोल रहा है कि जो क्रोजन है, वाटर का क्रोजन है, कहीं पर पानी गया हुआ है, तो आउटर एसेसरी में पानी गया हुआ है, ऐसा ये कह रहा है, ओके। अभी मैं दूसरा डिवाइस लगा के भी उसका भी मैं आपको दिखाता हूँ कि उसकी रिपोर्ट में ये क्या दिखाता है, ठीक है। तो हमने आईफोन 15 का देखा, उसमें बोल रहा है कि इंटरनल वाटर क्रोजन है करके, तो वो मैं वो हम चेक करेंगे कि पानी कहाँ पे है करके, ठीक है। तो ये भी रिस्टार्ट हो रहा था और इसको भी हमें देखना है कि इसका पैनिक क्या है, तो ये हमने केबल लगा दिया, ओके, यहाँ क्रैश में जाएंगे, ये देखो फाइल कॉपी करने लग गया है ये,
ओके, तो ये जितनी बार फ़ोन रिस्टार्ट हुआ है उसका पूरा आ गया डेटा। तो आप किसी भी एक फाइल को उठा लीजिए, देखो यहाँ पे तुरंत इसने बता दिया क्रैश डिसीजन जो है वो डॉक फ्लेक्स का है, मतलब जो डॉक फ्लेक्स है जो चार्जिंग फ्लेक्स है उसका प्रॉब्लम है, आप चार्जिंग फ्लेक्स को रिलेटेड सर्किट और या चार्जिंग फ्लेक्स चेक कीजिए और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये तो ठीक है, अभी मैं आपको जो फ्री वाला जुगाड़ है वो कैसे होता है वो हम देखते हैं चल के। ओके, इसके लिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलना पड़ेगा क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर है। तो अभी हम है ना कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली गूगल खोलना है और यहाँ पे लिखना है पैनिक एनालाइज़र। ओके, ये आ गया है। आप पैनिक एनालाइज़र जैसे ही ओपन करोगे जो फर्स्ट ऑप्शन है जो गिटहब करके वेबसाइट है उसको ओपन करना है। आप जैसे ही इसको ओपन करोगे तो ऐसा आपको कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो डाउनलोड सेटअप लिंक आएगा, आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, इसका सेटअप ऐसे ही इंस्टॉल होता है जैसे सारे इंस्टॉल होते हैं, नेक्स्ट 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 फिनिश करके। ओके, तो जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो कुछ ऐसा सा ये ओपन होता है। ओके, ऐसा इंटरफेस ओपन होता है। अभी आपको क्या करना है, आपका फ़ोन लगाना है और उसको खाली कनेक्ट करवाना है। कनेक्ट कराने के लिए आपको खाली पासवर्ड जो है वो स्क्रीन का डाल देना है। जैसे ही आप इसको कनेक्ट कराओगे देखिए यहाँ पे पूरा आ गया कि आईफोन 11 है। ठीक है, और जैसे ही हम लोग रीड लॉक करेंगे तो ये रीड करने लग जाएगा। ये एकदम फ्री सॉल्यूशन है, कोई इसमें वो वाली बात नहीं है। जितनी बार फ़ोन हमारा रिस्टार्ट हुआ है इतने सारे यहाँ पे पैनिक फुल आ गए टाइम और डेट के साथ। जैसे ही आप किसी एक पे ओके करोगे तो यहाँ पे पैनिक आ जाएगा और पॉसिबिलिटी इशूज़ क्या क्या है, पॉसिबल इशू क्या क्या है, तो चार्जिंग पोर्ट फ्लेक्स है, पावर बटन फ्लेक्स है और हार्ड डिस्क है। तो जैसे कि हमने V1S में भी देखा, उसने बोला था चार्जिंग डॉक यानी चार्जिंग फ्लेक्स का इशू है। ठीक है, तो अभी हम लोग आईफोन 15 भी देखते हैं कि वो क्या बोलता है। ठीक है, अभी मैं आईफोन 15 जो हमने V1S में लगाया था जिसमें V1S ने बोला था कि वाटर डैमेज है करके, अभी मैं आईफोन 15 कनेक्ट करता हूँ और हम देखते हैं कि ये क्या एनालाइज करता है। मतलब फ्री वाला अच्छा है या जो पेड है इतना महंगा बॉक्स है 20,000 रुपये का वो अच्छा है। देखिए मैंने आईफोन 15 भी यहाँ पे कर दिया कनेक्ट, अभी यहाँ पे मैं रीड करूँगा, ये रीड हो रहा है, यहाँ पे सारे लॉग आ गए। अभी मैं जैसे ही क्लिक करूँगा किसी पे तो इसने ये पैनिक बता दिया पूरा और ये पॉसिबल इशू नैंड क्रिस्टल और इंटरपोज। इंटरपोज का मतलब वही हो गया कि इसका कोई भी इंटरनल जो सेंसर है वो कुछ डैमेज होगा। तो अभी मैं इन सब डिवाइसों को फिक्स करके और आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है इसकी। ओके, और जैसे मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ पैनिक लॉक कैसे कैसे होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ये मैं ओपन कर रहा हूँ, ये एक पैनिक लॉग है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है DCP पैनिक। DCP पैनिक का मतलब होता है डिटेक्टर चार्जिंग पोर्ट। ओके, ये ऐसे होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा यहाँ से रीड करना है, जहाँ से पैनिक स्ट्रिंग लिखा है वहाँ से आपको रीड करना स्टार्ट करना है और आपको एक या दो स्टेप में ही पैनिक दिख जाएगा। ओके, तो एक तो ये हो गया, दूसरा देखते हैं ये उल्टा है फ़ोटो, इसको सीधा कैसे किया जाए। चलिए कोई बात नहीं, अभी एक पैनिक फुल ये है, अभी आप डेट भी दे सकते हो इसमें और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप देखिए SEP पैनिक। ओके, तो पैनिक स्ट्रीट के बाद थोड़ा सा खाली आप छोड़ना है और आपको पैनिक मिल जाएगा। SEP मतलब होता है CPU की EEPROM। CPU ड्राई हो गया होगा तो भी ऐसा होगा, या तो EEPROM ड्राई हो गई होगी तो भी ऐसा मिसकम्युनिकेशन की वजह से होता है। ओके, अभी ये है, आपको मैं ये वाला बाद में दिखाऊंगा, पहले और दिखा देता हूँ। देखिए ये एक और है, ये 14 प्रो है, इसमें भी DCEP का ही पैनिक है। ओके, मतलब डिटेक्टिव चार्जिंग पोर्ट का ही पैनिक है। नेक्स्ट और देखेंगे, ये भी वही है, मैंने इस पर सिंबल किया हुआ है। ओके, ये इतने मेरे पास पड़े थे अभी तो मैंने दिखा दिए। दूसरा क्या है, तो जैसे ZXW हो गया या JC हो गया, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अगर आप जाओगे तो डाटा एनालाइजिंग और डायग्नोस्टिक लॉग रहता है। तो आपको ये सारे जो कोड है ये डाटा है, देखो मैंने बोला था ना SEP ROM करके आएगा, तो क्या है लॉजिक चिप मतलब लॉजिक EEPROM, और ये सारे आपको पैनिक मिलेंगे और ये उनके सॉल्यूशंस हैं। ऐसे आपको बहुत सारे नोट मिल जाएंगे, और बाकी मैंने आपको ये वाला भी बता दिया जो कि ये एनालाइज़र है। ओके, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। तो आइए हम लोग फ़ोन फिक्स करके देखते हैं कि ये रिस्टार्ट बंद होता है कि नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये तीनों फ़ोन हमने फिक्स कर दिए हैं। ठीक है, तो ये आईफोन 15 है। ओके, किसमें क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है वो भी मैं आपको सब बताता हूँ। ओके,
तो टाइमर पहले स्टार्ट कर देते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा ये एक मिनट दो मिनट में फ़ोन बंद हो रहे थे, है ना। तो इधर टाइमर स्टार्ट हो गया। तो हम स्टार्ट करते हैं आईफोन 15 से। आईफोन 15 में हमने क्या किया, आईफोन 15 का जो NFC था, हमने जब इसको खोल के देखा तो हमें पता चला किसी ने ये ग्लास बदला हुआ है और ये पट्टी उसने काट दी थी। अभी हमने न्यू NFC लगा दी है जिसमें कि माइक भी होता है, फ्लैश लाइट भी होता है, तो और इसमें एक सेंसर भी होता है, ये यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लैश लाइट है और यहाँ पे माइक है और यहाँ पे सेंसर है। तो ये जब सेंसर इससे नहीं मिलता है तो सेंसर जब इससे नहीं मिलता है तो क्या होता है कि पैनिक बनाने लग जाता है। तो जैसे ही खोला हमें दिख गया कि ये कटा हुआ था। अगर नहीं दिखता था ये तो हम लोग फिर आगे और इसका स्टडी करते थे कि क्या कौन सा कहाँ पे पानी गया हुआ है। दूसरा है ये आईफोन 11, ठीक है। तो आईफोन 11 में जैसे कि हमें JC ने बताया, चार्जिंग डॉक और एनालाइज़र ने भी बताया कि CC फ्लेक्स का प्रॉब्लम है। तो हमने CC फ्लेक्स देखा तो CC फ्लेक्स में कोई दिक्कत नहीं थी। इसके वाइब्रेटर में किसी ने कुछ कर दिया था तो उसकी वजह से जो वाइब्रेटर है उसका प्रॉब्लम हो रहा था। वाइब्रेटर चेंज किए तो हो गया ये, ठीक है। ये इनके सबके वो चल रहे हैं, ओके। तो इसमें सब में टाइमर चल रहा है। और हाँ, इसमें क्या है कि इसका है ना, किसी ने बैक ग्लास चेंज किया हुआ, ठीक है। तो बैक ग्लास चेंज करने में उसने क्या किया था, जो इसका पावर की का पत्ता है ना वो काट दिया था। तो हमने इसका पावर की का पत्ता नया लगाया है और अभी देख रहे हैं कि क्या होता है, ओके। ये तीनों को दूर दूर रखना पड़ेगा क्योंकि इनके एयर ड्रॉप चल जाते हैं आपस में। और आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 2 मिनट का टाइम हो चुका है और अभी तक कोई रिस्टार्ट नहीं हुआ, नहीं तो 1.5 मिनट में ही सारे रिस्टार्ट हो जाते थे, ओके। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई रिस्टार्ट का इशू आता है तो आपके पास अगर V1S या V1S Pro है तो आप उससे इसकी रिपोर्ट लेके और डायग्नोस कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास नहीं है तो आप फ्री वाला जो सॉल्यूशन मैंने पैनिक एनालाइज़र वाला आपको बताया था वो वाला आप कर सकते हो। बहुत ईजी में आप डायग्नोस कर लोगे कि क्या दिक्कत है और क्या दिक्कत नहीं है, ओके। तो आप देख सकते हो हम 3 मिनट तक वेट करना पड़ेगा। अगर तो कोई सेंसर नहीं मिलता है तो 3 मिनट में फ़ोन रिस्टार्ट होना चाहिए। ऑलमोस्ट 2.5 मिनट हो चुके हैं, तो 3 मिनट्स में अगर रिस्टार्ट हो गया तो हमारा काम फेल है, अगर नहीं हुआ तो हमारा काम पास है। तो हम लोग इसके लिए वेट कर रहे हैं, इसीलिए मैंने पहले ही टाइमर लगा के और छोड़ा हुआ है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है उसके साथ शेयर कीजिए, ओके। ऑलमोस्ट 2 मिनट 53 सेकेंड्स हो चुके हैं, ओके। ये पास हो चुका, इसका 3 मिनट हो गया, ये भी पास हो गया, इसका भी 3 मिनट हो गया, और ये भी पास हो गया, इसका भी 3 मिनट हो गया। तो थैंक्स, आपको मुझे लगता है आप लोग को समझ में आया होगा। ऐसे हमेशा आउटर एसेसरी का इशू नहीं होता है, कई कई बार बोर्ड का भी इशू होता है। मैंने पहले ही बोला कि अगर चार्जिंग डॉक बोल रहा है तो वो चार्जिंग डॉक ही नहीं, चार्जिंग सेक्शन, ऑडियो सेक्शन से रिलेटेड हो सकता है। बिकॉज चार्जिंग डॉक में ऑडियो के कंपोनेंट यानी जैसे टैप्टिक इंजन और स्पीकर भी लगते हैं और चार्जिंग भी होता है, तो उसका इशू भी होगा। तो आप CC फ्लेक्स चेंज करोगे तो नहीं होगा, फिर आपको बोर्ड ही रिपेयर करना पड़ेगा। अभी इसकी NFC की दिक्कत थी तो इसकी NFC की IC रिलेटेड या इसके कनेक्टर का प्रॉब्लम होगा तो वैसे होगा। तो ये तो हमें प्रॉब्लम दिख गया था, इसीलिए मैंने आपको इतने इजी में एक्सप्लेन किया, नहीं तो पैनिक बहुत बार बहुत परेशान करता है, ओके। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।